अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में फरवरी सीजन के आज का तीसरा सवाल, कोरोना के कारण पिछले 11 महीने से बंद किस भवन को 6 फरवरी से खोलने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, बी प्रधानमंत्री भवन, सी राज्यपाल भवन या डी संसद भवन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। एक्शन में नौगछिया पुलिस, नौगछिया स्टेशन रोड होगा अतिक्रमण मुक्त, सब्जी मंडी को निर्धारित जगह पर किया जाएगा शिफ्ट। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज और अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस बलों ने मंगलवार को देर शाम नौगछिया बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर मार्च पोस्ट किया। मार्च पास्ट में नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज, अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, जीआरपी के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार, आरपीएफ के पुलिस निरीक्षक पीएस दुबे समेत पुलिस भर मौजूद थे। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने इस दौरान बताया कि वैशाली चौक से नौगछिया स्टेशन तक स्टेशन रोड पर सभी सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी के लिए निर्धारित जगह पर जाने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने कहा कि पहले वे सब्जी विक्रेताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने निर्धारित जगह पर चले जाएं, अगर वे लोग नहीं मानते हैं तो फिर उन लोगों को बल प्रयोग कर स्टेशन रोड से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 दिनों में सब्जी मंडी को नए जगह पर शिफ्ट करवा दिया जाएगा। नौगछिया के दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और आम लोगों से सहयोग करने की उन्होंने अपील भी की है। नौगछिया एसपी ने कहा कि वैशाली चौक से स्टेशन चौक तक दोनों तरफ जो भी दुकानदार हैं उन्हें जो जमीन दी गई है वे उससे काफी आगे बढ़ गए हैं। इसके बाद भी ऐसे दुकान के आगे दूसरा दुकान लगा दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जाम लग जा रहा है। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए घरों से निकलते हैं और जाम में फंस जाते हैं। बीमार लोग जाम में फंसकर समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। यहां तक कि सब्जी खरीदने या किसी भी काम से बाजार आने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्टेशन चौक तक दोनों साइड जो लोकल दुकानदार काफी इंक्रोच कर रहे हैं, जो जगह को दी गई है उसे काफी आगे इंक्रोच कर रहे हैं। उसके बाद अपने दुकान के आगे दूसरा दुकान लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, उसके कारण क्या है, लोकल आम आदमी जो यहाँ सब्जी लेने आते हैं या बाजार किसी काम से आते हैं पूरा रोड जाम हो जाता है। फिर जो आम आदमी को बाहर निकलना होता है, रिक्शा है या प्राइवेट गाड़ी है, वो निकल नहीं पाती, उनकी ट्रेन छूट जाती है, कोई बीमार है सही टाइम पर नहीं पहुँचता उसमें पहुँचती। इसको आज जरूर देखते हुए हम लोग SDO साहब हैं, हमारे SDO साहब हैं, RTO के सेक्टर साहब हैं, जाती साहब हमारी स्तर पर मुआयना किया, देखा कि पास में काफ़ी अच्छा जमीन है या पहले भी चर्चा हुई थी, किसी कारण बस वहाँ पर सब्जी मंडी नहीं जा पाया। हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं ना, तो सब्जी के मंडी के लोग सुन रहे होंगे, काफ़ी पर्याप्त जगह है, हम लोग वहाँ पर सारी सुविधाएँ उनको देंगे। उनसे मेरा पहले अनुरोध रहेगा कि आप लोग वहाँ स्वयं शिफ्ट कर देंगे, मतलब सर व्यवस्था वहाँ कर देंगे, वहाँ वो शिफ्ट कर जाएंगे तो आम आदमी स्वयं वहाँ लेने जाएंगे सब्जी, इससे सबको फायदा होगा, सब्जी मंडी पर उनको जगह मिल जाएगी, आम आदमी वहाँ जाएंगे भी और ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ रहेगा। तो हम लोग ये प्लान किए हैं कि हम लोग वन वे ट्रैफिक करेंगे, जो आज टोटल को बंद है, हम लोग उनकी बात सुनी है, ऑफिस वाले मिलने आए थे, उनकी अपनी समस्या जेन्युइन समस्या है, दुकानदार जो इंक्रोच कर लिए हैं उसके कारण रोड पर ट्रैफिक कंजेशन है जिससे चलते हैं कि टोटो या ऑटो नहीं आ पाता है, उसकी समस्या अपनी जगह पर है। तो हम लोग फिर वन वे ट्रैफिक करेंगे, ब्लो रूट का लोग देख लिया, सत्यापन कर लिया है, ये हम लोग मुश्किल से एक हफ्ता या 10 दिन में रोकनी व्यवस्था लोग कर लेंगे। और बड़ी ये सत्याग्रह नहीं है, देखो यार ना ये सब डेमोक्रेसी है, हम लोग प्रेम से प्यार से अनुरोध करते हैं, ये शहर आपका ही है, पदाधिकारी आते हैं बाकी चले जाते हैं, शहर आपका है, शहर कितना बेहतर व्यवस्था कर सके इसमें आपका सहयोग महत्वपूर्ण, यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर हमें परेशानी होगी, उसके बाद कानून या जो विधि व्यवस्था है हमें फिर सख्ती करना पड़ेगा बनाने के लिए, वो हम नहीं चाह रहे, वो मेरा लास्ट विकल्प। मैं पहले अनुरोध कर रहा हूँ जगह हम उपलब्ध करा दें सब्जी मंडी का, उसके बाद सब्जी मंडी वहाँ जाना पड़ेगा,
मेरा पहले अनुरोध होगा, वो अनुरोध को मान लेंगे, नहीं मानते हैं तो मैं अपना काम शुरू करूंगा। अवगछिया वह एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। बोले नवगछिया SDO, सुविधाओं से लैस होगा नया सब्जी हाट। नवगछिया के SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार ने कहा कि नया सब्जी हाट सभी प्रकार के सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में सब्जी हाट के लिए निर्धारित जगह पर जल जमाव के कारण कीचड़ की समस्या होने की बात सामने आई है। इसके लिए हाट के लिए निर्धारित जगह को समुचित रूप से ईट टोलिंग कर दिया जाएगा और लेवलिंग भी कर दी जाएगी। फिर सब्जी दुकानदारों को क्रमशः दुकानों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की खूबसूरती और निर्बाध ट्रैफिक व्यवस्था के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसमें आम लोगों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं को भी सहयोग करना चाहिए। नवगछिया, अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई, 4 ऑटो चालक को किया जुर्माना। नवगछिया NH31 पर ऑटो चालकों द्वारा किए जा रहे अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मंगलवार को नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नवगछिया थानाध्यक्ष शैलेश कुमार के द्वारा नवगछिया बस स्टैंड के पास कार्रवाई की गई। इस दौरान बस स्टैंड के समीप NH31 पर अवैध रूप से पार्किंग किए गए ऑटो को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने जब्त किए गए वाहनों को जुर्माना वसूल करने के बाद छोड़ा। थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि पुलिस के इस कार्रवाई में 4 ऑटो को अवैध पार्किंग से जब्त किया गया। सभी जब्त वाहनों से जुर्माना के बाद उसे छोड़ दिया गया है। मालूम हो कि नवगछिया बस स्टैंड के होने के बावजूद भी ऑटो चालकों द्वारा NH31 पर ही अपने वाहनों को पार्किंग करते हैं और वहीं पर सवारी को भी बैठाते हैं। इसके अलावा बड़ी बसों का भी ठहराव NH31 पर ही होता है। वाहनों के NH31 पर ठहराव होने के कारण सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती है। पानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में गौशाला समिति की हुई बैठक। गौशाला की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का सदस्यों ने SDO को दिया प्रस्ताव। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में मंगलवार को गोपाल गौशाला समिति नवगछिया की बैठक SDO सह गौशाला अध्यक्ष अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गौशाला के सचिव राम प्रकाश रुंगटा, कोषाध्यक्ष गोपाल केजरीवाल, सदस्य पवन कुमार सराफ, अजय कुमार रुंगटा, सत्यनारायण चौधरी, कौशल, जगदीश मोमंडिया, प्रोफेसर विजय कुमार, शिव कुमार पंसारी शामिल हुए। बैठक में गौशाला के विकास को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान गौशाला के विकास में 20 लाख रुपए खर्च किए जाने को लेकर चर्चा भी की गई। इस राशि से गौशाला की घेराबंदी, गाय के विकास एवं गौशाला में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाने की सहमति बनी। इसके साथ ही वर्तमान गौशाला जहां पर है वहां की जमीन के उत्तरी भाग पर कुछ लोगों के द्वारा जमीन का अतिक्रमण कर लिया जाने की जानकारी सचिव व सदस्यों ने अनुमंडल पदाधिकारी को दी है। इस संबंध में उन्होंने वर्तमान गौशाला की जमीन को मापी कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश नवगछिया CO को दिया है। सदस्यों ने इस दौरान गौशाला की जमीन जो नवादा में है उस पर अतिक्रमण होने की जानकारी दी। साथ ही गौशाला की जमीन अरजपुर चौसा में हुई नवगछिया गौशाला की जमीन है। गौशाला की सभी जमीनों एवं उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने उक्त जमीन को लेकर विस्तार से समीक्षा अगली बैठक में करने का निर्णय लिया। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा बताया गया कि गौशाला समिति के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसको लेकर बैठक के दौरान नए सिरे से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है।
जनहित के मुद्दे पर भाकपा माले ने प्रखंड मुख्यालय का किया घेराव। कोसी नदी कटाव पर अस्थायी निदान, भूमिहीनों को 5 डिसमिल वास भूमि देने, कटाव स्थापित को पुनर्वास की मांग, मनरेगा मजदूरों को कार्ड एवं काम का सही दाम दिए जाने सहित जन कल्याणकारी योजनाओं में मची लूट पर रोक लगाने, नल जल योजना से लेकर पंचायत योजनाओं में मची लूट के खिलाफ भाकपा माले नेताओं ने नौगछिया प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान माले नेताओं ने प्रखंड कार्यालय का भी घेराव किया है। इसके पूर्व माले नेता तितरी 0 माइल में माले नेता एकत्रित हुए, जहां से सभी मार्च करते हुए प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। मार्च में नेतृत्व भाकपा माले के प्रखंड सचिव रामदेव सिंह निरंजन भारती कर रहे थे। वहीं भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य पंकज सिंह एवं इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव गौरी शंकर राय के नेतृत्व में सुखचा बिंटोली नवादा गौशाला मकातकिया नौगछिया मुख्य बाजार होते हुए माले नेता व कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय नौगछिया पहुंचे। वहीं आयोजित सभा को संबोधित भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य पंकज सिंह, जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, प्रखंड सचिव ज्ञान रामदेव सिंह, पूर्व मुखिया सुंदर सिंह, निरंजन भारती, रविंद्र कुमार रवि आदि ने सभा को संबोधित किया। मौके पर सुरेश कुमार, वकील मंडल, राधे श्याम रजक, गुरुदेव सिंह, जयप्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। हो जा रहा है, कभी कभी वीडियो कैंप कर रहा है, कभी एनजीओ कैंप कर रहा है, कभी जो है कि चीफ अभियंता आ रहा है, कभी ये टीम आ रहा है, कभी वो टीम आ रहा है, वो आ नहीं रहा है। साथियों, आप गौर से देखिए, वो आ नहीं रहा है, वो सिर्फ चुंगी वसूलने के लिए आ रहा है। किस चीज का धरना प्रदर्शन है? सबसे पहला तो है कि कोसी कटाव लगातार जारी है और इसी कोसी कटाव के लिए हम लोग ये मांग करने आए हैं कि मास्टर प्लान बना के कोसी कटाव पर रोक लगावे, विस्थापित को स्थापित करने काम करें, उन्हें पक्का मकान देने काम करें और जो भूमिहीन है पूरे प्रखंड में उन्हें 5 डिसमल जमीन देकर बास की व्यवस्था करें। एक तो ये डिमांड है। दूसरा है कि कोरोना काल में सरकार ने घोषणा किया था कि मनरेगा में लोगों को काम दिया जाएगा, लेकिन नौगछिया के पूरे ब्लॉक का हाल ये है कि एक भी लोगों को काम नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ मांग कर रहा है कि पूरा जो 2021 की जो वित्त वर्ष बीत गया उसका काम कहाँ गया, इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों के हाथ में कार्ड दे और काम की व्यवस्था करें। तीसरा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को पोस्को मशीन पर थम काम नहीं कर रहा है और उनका राशन अभी साल भर से 6 महीने से बंद है, तो उसे आधार के आधार पर उसको आप राशन देने काम करो, जो छूटे हुए उसको जोड़ने काम करो। ये 3 सवाल पर हम लोग मुख्यतः यहाँ पर घेराव करने आए हैं और ये हम ये कहने आए हैं कि अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, पूरी पंचायती व्यवस्था और प्रशासन अगर सक्रिय नहीं होती है, तो हमको सीधी निर्णायक लड़ाई लड़ना होगा और इसी बात को हम लोग यहाँ पर दरखास्त करने आए हैं। कहाँ पे आए हैं? ये नौगछिया ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय पर आए हैं और इसमें CEO साहब से जुड़ा हुआ मामला है, BDO साहब से जुड़ा हुआ मामला है, SDO से जुड़ा हुआ मामला है और मनरेगा ऑफिस से जुड़ा हुआ। मनरेगा में तो जबरदस्त लूट हो रही है। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार सिंह, मैं मनरेगा मजदूर सभा का बिहार का अध्यक्ष हूँ और खेत ग्रामस के राष्ट्रीय सचिव और भाकपा माले के स्टेट कमेटी मेंबर्स। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, खास करके कोसी कटाव जो अभी धारा बदला हुआ है कदवा में, कोसी मर गई थी, पुनः वह धारा खुल गया है और दर्जनों गांव पर खतरा मंडरा रहा है। जब बाढ़ का ठीक समय आता है तो ये लोग लूट के लिए 10 बोरी 20 बोरी 50 बोरी दे करके और जो मनमाना लूट करता है। जब हम लोगों ने पदाधिकारी से कहा कि भाई इसको जो है समय रहते हुए जब पानी का जलस्तर नीचे हो तो आप इसका काम कराओ ताकि कटाव से बचाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं करके ये लोग बाढ़ में ऐसा करना चाहते हैं। और बिशु राउत जो रोड है जहाँ की पर्यटक स्थल सरकार ने घोषित किया, लाखों की भीड़ होता है, वो सड़क जो है कट के कोसी में विलीन होना था और दर्जनों गांव कोसी में विलीन हो जाएगा तो फिर ये बिशु राउत पुल का कोई मकसद नहीं बचेगा। जब जनसंख्या ही नहीं बचेगी तो बिशु राउत पुल का क्या स्वभाव होगा? दूसरी बात है कि ये कार्यालय में दलालों का राज स्थापित है। जब लोग वाजिब काम लेकर के यहाँ आते हैं तो यहाँ के पदाधिकारी उसको धक्के दे करके निकाल देते हैं और खास करके ये प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तो बहुत भेदभाव बरतते हैं। जब गरीब लोग इनके ऑफिस में जाते हैं तो धक्के दे करके निकाल देते हैं। मैं इनको कहने आया, चेताने आया
कि यदि आप जनता को शरण सही ढंग से जो है सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारा सम्मान भी करना जनता जानती है। इसलिए तुम जनता का नौकर हो, जनता का सम्मान करना सीखो। मैं रामदेव सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव नौगछिया। को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये नौगछिया प्रखंड के विभिन्न समस्याओं को लेकर के है। मुख्य है कि गरीबों के संबंधित जितनी योजनाएं, चाहे वो मनरेगा का सवाल हो या फिर राशन कार्ड का सवाल हो, राशन का भी कुछ सवाल हो या फिर कटाव का सवाल हो, इन सवालों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग प्रशासन को ये कहने आए हैं कि आप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा आने वाले दिनों में, हमने तो अभी कहा है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ आएंगे, जरूर आए हैं जरूर, लेकिन हम ले जाएंगे आपको गाँव में। अब चाहे जितनी आंदोलन पर दमन चलाना हो चलाएं, उसकी परवाह ना हम कभी किए हैं ना करेंगे। धन्यवाद। किस तरह का ये आंदोलन है? ये आंदोलन आज सचेत करने के लिए आए हैं, प्रदर्शन के जरिए, धरना के जरिए, कि मैं यहाँ आया हूँ कहने के लिए कि आप चीज़ों को ठीक कर लीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो नेशनल हाईवे है, हम उतरेंगे। परिचय देते हैं, मैं बिंदेश्वरी मंडल, भाकपा माले, जिला कमेटी सचिव। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया, दूसरे दिन इंटर की परीक्षा में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न। नवगछिया में 6 केंद्रों पर चल रही इंटर की परीक्षा दूसरे दिन मंगलवार को भी शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुई। दोनों पालियों में हुई परीक्षा में कुल 1227 परीक्षार्थी में से 1243 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि कुल दोनों पाली में कुल 14 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली में हुए गणित विषय की परीक्षा में कुल 612 परीक्षार्थी में से 607 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी एवं 5 अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में हुई हिंदी विषय की परीक्षा में कुल 615 परीक्षार्थियों में 606 ने परीक्षा दी एवं 9 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। दूसरे दिन हुई इंटर की परीक्षा के दौरान SDO अखिलेश कुमार, SDPO दिलीप कुमार सभी केंद्र पर चल रही परीक्षा का घूम घूम कर जायजा ले रहे थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मंगलवार को दोनों पालियों में हुई इंटर की परीक्षा सभी केंद्र पर कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। नवगछिया, नामांकन के अंतिम दिन रंगरा में अध्यक्ष और सदस्य पद से कुल 60 लोगों ने भरा पर्चा। रंगरा और मुरली पैक्स अध्यक्ष की दावेदारी रही निर्विरोध। रंगरा में पैक्स अध्यक्ष पद पर नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष और सदस्य पद पर कुल 60 लोगों ने दावेदारी दी है। मुरली पंचायत से अध्यक्ष पद पर पुलिस शाह ने पर्चा भरा है। पुलिस शाह की दावेदारी निर्विरोध है। रंगरा पंचायत से अध्यक्ष पद पर अनिल कुमार ठाकुर ने अपनी दावेदारी दी है। अनिल ठाकुर की दावेदारी भी निर्विरोध है। तिंटेगा दियारा पंचायत के अध्यक्ष पद पर सिकंदर दास ने पर्चा भरा है। मुरली पंचायत से अध्यक्ष पद पर 1 और सदस्य पद पर 7 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। सदवा छापर पंचायत से अध्यक्ष पद पर 4 और सदस्य पद पर 7 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। रंगरा पंचायत से अध्यक्ष पद पर 1 और सदस्य पद पर कुल 8 लोगों ने दावेदारी दी है। भवानीपुर पंचायत से सदस्य पद पर कुल 5 लोगों ने दावेदारी दी है। मधुरोनी पंचायत से अध्यक्ष पद पर 2 और सदस्य पद पर कुल 9 लोगों ने पर्चा भरा है। वहीं बनिया बैसी से सदस्य पद पर कुल 4 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूटनी और नाम वापसी प्रक्रिया बुधवार तक तय किया जाएगा। बुधवार को ही नामों की घोषणा की जाएगी, जबकि चुनाव और मतगणना 15 फरवरी को होना है। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद ले मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597।
नवगछिया प्रखंड में 13 लोगों ने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए भरा पर्चा। नवगछिया प्रखंड में चल रहे पैक्स चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि को कुल 13 लोगों ने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। डोलवजा पंचायत से 6 लोगों ने पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, जिसमें खैरपुर कदवा से 2, खगड़ा पंचायत से 1, तीतरी पंचायत से 2, जमुनिया पंचायत से 2 लोगों ने नामांकन पर्चा भरा। डोलवजा पंचायत से प्रदीप गुप्ता, जयप्रकाश मंडल, विपिन गुप्ता, कुमार रामानंद, सबरी राय, खोखा मंडल ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं सदस्य पद के लिए डोलवजा पंचायत से सामान्य सीट पर 3 लोगों में विष्णु मंडल, पवन कुमार, प्रदीप शाह, सामान्य महिला वर्ग से गुंजन देवी, पिछड़ा वर्ग से गुरुशंकर कुमार, पिछड़ा से सुनील कुमार, विज्ञान भूषण, एससी एसटी से पुलकित शर्मा है। वहीं खैरपुर कदवा पंचायत से पंकज कुमार जायसवाल, हरिश्चंद्र मंडल ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन लिया। खगड़ा पंचायत से मिथिलेश मंडल, तेतरी पंचायत से भिखारी सिंह और रानी सिन्हा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। ढोलबज्जा, नेहरू उच्च विद्यालय ढोलबज्जा के स्मार्ट क्लास से टीवी व साउंड सिस्टम की हुई चोरी। नेहरू इंटर स्तरीय विद्यालय ढोलबज्जा में सोमवार की देर रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी कर ली है। उक्त चोरी की घटना को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य गोपाल कृष्ण राय ने ढोलबज्जा थाने में लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया, रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया 161 लोगों का वैक्सीनेशन। रंगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 300 लोगों को कोविड 19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि कुल 360 स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीनेशन किया जाना था, लेकिन 60 लोग अनुपस्थित रहे। डॉक्टर रंजन ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद सबों की स्थिति सामान्य थी। नवगछिया, मास्टर ब्लास्टर नवगछिया की टीम ने सुपर स्टार 11 साहेबगंज को किया पराजित। नवगछिया के खरीक के बतरा में चल रहे खेल महोत्सव 2021 के छठे लीग मैच में सुपर स्टार 11 साहेबगंज को मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट क्लब नवगछिया ने पराजित कर दिया। मैच का उद्घाटन मध्य विद्यालय नवादा के प्रधानाध्यापक पीयूष कुमार ने किया। मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए सुपर स्टार 11 की टीम ने 17 ओवर 5 गेंद में सभी विकेट खोकर 138 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी मास्टर ब्लास्टर की टीम ने बिना किसी नुकसान के 6 ओवर में 140 रन बनाकर मैच जीत लिया। वहीं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मास्टर ब्लास्टर टीम के ऑलराउंडर राकेश कुमार को दिया गया। नारायणपुर के 2 शिक्षक साइबर ठगी के हुए शिकार, 1,71,386 रुपए की ठगी। नारायणपुर प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय भमरपुर के शिक्षक हरिकिशोर रविदास और मध्य विद्यालय बलहा पूरब के प्रधानाचार्य प्रभाकर सिंह साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। दोनों शिक्षक गत विधानसभा चुनाव में सेक्टर 1 पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त थे। दोनों को राशि भुगतान सरकारी स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है। राशि भुगतान का प्रलोभन देकर दोनों शिक्षकों को दोनों अलग अलग नंबर से फोन किया गया, जिसमें कहा गया कि जिलाधिकारी कार्यालय से बोल रहा हूं, आप दोनों शिक्षक ने गत विधानसभा चुनाव में सेक्टर पदाधिकारी के पद पर कार्य किया है, लेकिन अभी तक आप लोगों का राशि भुगतान नहीं हुआ है, जबकि अन्य शिक्षकों का राशि भुगतान हो गया है। दोनों शिक्षक राशि भुगतान के प्रलोभन में आ गए और दोनों से कहा गया कि प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड कीजिए। शिक्षक ने ऐप डाउनलोड किया। उसके बाद दोनों शिक्षक से एटीएम कार्ड का फोटो और उक्त नंबर पर मांगा गया। दोनों शिक्षक ने एटीएम कार्ड का फोटो भी भेज दिया। फोटो भेजने के बाद देखते ही देखते प्रभाकर सिंह के खाते से 1,43,499 रुपए गायब हो गए। खाता से रुपए गायब होने पर मोबाइल पर मैसेज आने लगा तो वह भागकर एसबीआई सिंहपुर मथुरापुर शाखा पहुंचे और खाते को बंद कराया, लेकिन तब तक में रुपए गायब हो चुका था। दूसरी ओर किशोर रविदास के खाते से भी 27,787 रुपए सेम बात का ठग लिए गए। खाते से रुपए जाने के बाद जब मोबाइल पर मैसेज आने लगा तो रविदास भी एसबीआई सिंहपुर मथुरापुर शाखा पहुंचकर खाते को बंद करवाया। तब तक शिक्षक ठगी का शिकार हो चुके थे। वहीं दोनों शिक्षकों ने इस मामले की जानकारी नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को दिया, जहां से एसपी ने दोनों शिक्षक को कहा कि संबंधित थाने में जाकर मामले को दर्ज करा दीजिए। दोनों शिक्षक ने लिखित आवेदन भवानीपुर ओपी को दिया है।
यानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC, नॉन AC कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DC फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250527। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट, गुहान पोखर के सामने, गौशाला रोड, नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से, साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट, फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।